नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 12 Pro Plus 5G versus iQOO Neo 9 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 6.36 इंच जबकि Neo 9 Pro 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 2.91 इंच जबकि Neo 9 Pro 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 12 Pro Plus 5G में 0.34 इंच जबकि Neo 9 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12 Pro Plus 5G में 196 ग्राम जबकि Neo 9 Pro 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 12 Pro Plus 5G में 20:1:9 जबकि Neo 9 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 6.7 इंचेस जबकि Neo 9 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12 Pro Plus 5G में 1080x2412px FHD जोड़ और Neo 9 Pro 5G में 1260x2800px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12 Pro Plus 5G में 90.68% जबकि Neo 9 Pro 5G में 89.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Pro Plus 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Neo 9 Pro 5G में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और Neo 9 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Neo 9 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Neo 9 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में Adreno 710 जबकि Neo 9 Pro 5G में Adreno 740 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और Neo 9 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB, 8GB, 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB, 256GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 12 Pro Plus 5G में 5000 mAh जबकि Neo 9 Pro 5G में 5160 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 3 कलर्स जबकि Neo 9 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12 प्रो प्लस 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,500 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नियो 9 प्रो 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 36,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 12 Pro Plus 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें IQOO Neo 9 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में न्यू 9 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 12R 5G है, दूसरा Oppo Reno 11 5G है, तीसरा Xiaomi 14 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V29 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।